अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारा टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फ़र्क है, ये हम थोड़ा सा मुख्तसर सा इसको हम क्लियर करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें फ़र्क क्या होता है, इस चीज़ में क्या क्या फ़र्क होता है। ये देखें, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ होती है ना हमारी, वो कि हम किसी भी चीज़ को बिजली से मैकेनिकल एनर्जी या उसमें से लाइट या कोई हीटिंग उसमें हम उसे लेते हैं मिसाल के तौर पर। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो होती है कॉपर और एल्युमिनियम। जैसा कि आपकी मोटर में वाइंडिंग होती है या कॉपर की होती है या एल्युमिनियम की वाइंडिंग होती है, जैसे घरों में वायरिंग होती है ये भी ऐसा ही कॉपर और एल्युमिनियम की। मुख्तसर सी मसला है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आप इस्तेमाल करेंगे वहां के जहां पे आपको मैकेनिकल या कोई चीज ऐसी चीज दरकार हो, मिसाल मोटर जनरेटर ये लिखा होगा मैंने सब कुछ। इसमें एसी और डीसी दोनों वोल्टेज इस्तेमाल होंगे, ये हमारी इस तरह काम आएगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होती है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का आप कोर्स करने लगे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है, लेकिन इसमें जब आपको कोई चीज कंट्रोल करनी पड़ती है ना इसमें, तो आप और सिस्टम के हिसाब से आप करते हैं। और जो ये वाली चीज है इसमें और सिस्टम होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल जो हैं वो ये देखें, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। इसमें डीसी वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर इसमें आप मोटर इस्तेमाल करेंगे तो इसे और तरह की स्पीड और रिले से कंट्रोल करेंगे इसको। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप आ जाए, इसमें मोटर आपने कंट्रोल करनी है तो इसमें आप सेंसर लगा सकते हैं, मुख्तलिफ सेंसर, टेम्परेचर से मोटर काम तेज हो जाए और ठंडे से आस्था हो जाए, तेज हो जाए। इसमें आप ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, डायोड वगैरह इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें कोई भी चीज होती है, इसमें मैकेनिकल चीज यूज होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज होगी। और इसमें ये फर्क होता है कि अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे, ये करता है, इसमें आप जो अगर कमी करते हैं चीज में, इसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो चीज की स्पीड कम तेज होती है। इसमें आप इलेक्ट्रॉन को जो होते हैं उसके बहाव को कंट्रोल करते हैं तो इसमें चीज की सिमत बदलती है, चीज से रास्ता होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें आप, इसमें अगर आपको कोई भी चीज, मिसाल के तौर पर ये आपका एक केटी बोर्ड है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसका ईप्रोम लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर और ईप्रोम में और उसके साथ आपने जो चीजें भी मिसाल के तौर पर इसमें फीडिंग कर दी, ये ईप्रोम है, ये वाला ये नजर आ रहा है ईप्रोम, ये माइक्रो प्रोसेसर। मैक्रो प्रोसेसर किसी भी चीज में आप मैक्रो प्रोसेसर ये लगा देते हैं, ऐसे आपने मैक्रो प्रोसेसर लगा दिया, इससे आप कोई भी यहां पे आप मोटर, बल्ब, कोई चीज आपकी हो या कोई भी ऐसे आलात इस्तेमाल हो जो कि आप एक पीटीसी सेंसर से या किसी एयर को ठंडी गर्म करने से, हॉट एयर, कूल एयर, इससे आप कोई भी चीज इसमें से जो है सेंसर के जरिए कंट्रोल करते हैं। जैसे फ्रिज में आप थर्मोस्टेट लगे आते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो सेंसर के जरिए काम करते हैं, एक सेंसर लगा, वो सेंसर के जरिए काम। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल में आ जाते थे तो हमें क्या होता था, हम एक मैनुअल थर्मोस्टेट का यूज करते थे जो कि हम हाथ से ऑपरेट करते थे, उसमें मैकेनिकल चीजें होती थी वो उससे इस्तेमाल होता था। ये इलेक्ट्रिकल में ये चीजें होती हैं। और जो जे वाली चीज है इसमें अपोजिट उसके काम करता है, इसमें चीजें और होती हैं और इस्तेमाल करने के लिए। ये माइक्रो प्रोसेसर है जो वो इसके, इसको जो भी आप यहाँ सेंसर लगा इसको सेंस करेगा, इसमें किट लगेगी, आईसी लगेगा, ये लग के इसको कंट्रोल करेगा। इस तरह भाई ये कंट्रोल किए जाते हैं ये चीजें। इसमें ये फर्क अगर आपसे कोई पूछे तो इसको आपको मैं आसानी से एक्सप्लेन ये किया है मैंने आपको कि इसमें ये चीजों का डिफरेंस है, ये फर्क है। शुक्रिया जनाब, मेरा ख्याल आपको अच्छी तरह वीडियो समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाहता था, मुख्तसर सा समझाया आपको, बड़ा मुख्तसर सा, बड़ी आसान सलीस जुबान में ताकि आप आसानी से इसको कवर कर लें, बड़ी आसान ये समझे आपको समझ आ जाएगी होगी। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।